हेलो एवरीवन, आई एम सरोज एंड आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं इंग्लिश का, कंडीशनल सेंटेंसेस। फाइन, कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली इनमें जो कंडीशंस लगती हैं वो टेंस के रूल से बिल्कुल थोड़ा हटके होती हैं। फाइन, जो हम टेंस में रूल पढ़ते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस में वो कहीं ना कहीं आके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के खुद के अपने एक रूल हैं, खुद का एक अलग सा टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। फाइन, आज की क्लास में तो देखो हम कंडीशनल पढ़ेंगे। सामने आपके बोर्ड पे टॉपिक लिख रखा है कंडीशनल सेंटेंसेस। फाइन, तो बच्चा कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंस हैविंग टू पार्ट्स, वन डिनोट्स कंडीशन एंड अदर डिनोट्स रिजल्ट। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके टू पार्ट्स होंगे, इट मींस कि एक सेंटेंस में टू क्लॉजेस होंगी। अब क्लॉजेस क्या होती हैं? क्लॉजेस होती हैं एक ही सेंटेंस में अगर वन पार्ट है, कॉमा करके दूसरा पार्ट है, कॉमा करके तीसरा पार्ट है, तो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकती हैं और उन सबको कंप्लीट करके आपका एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो क्लॉज भी बेसिकली क्या होती है? सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के जो कंप्लीट एक सेंटेंस बनता है उसको ही हम क्लॉज कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सेंटेंस हैविंग टू पार्ट्स, वन डिनोट्स कंडीशन एंड अदर डिनोट्स रिजल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कम हियर आई विल हेल्प यू। अब आप देख रहे हैं आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस है यहाँ तक। फाइन, एक क्लॉज आपके पास ये है और दूसरा क्लॉज आपके पास ये है। ये वाला क्लॉज आपका क्या बता रहा है? ये वाला जो क्लॉज है ये आपका कंडीशन बता रहा है। ठीक है, कंडीशन कैसे बता रहा है? आपके पास एक वर्ड दे रखा है इफ, ये कह रहा है कि इफ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इट मींस आपके पास एक कंडीशन है, देन आफ्टर रिजल्ट है कि अगर तुम आओगे तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस किसको मिला के बनते हैं? एक कंडीशन और एक रिजल्ट, उसको मिला के आपके पास क्या होता है? एक कंडीशनल सेंटेंस। फाइन, अब कंडीशनल सेंटेंसेस को बेसिकली हम थ्री कैटेगरीज में कवर करेंगे, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ठीक है, एक जीरो कंडीशनल भी होता है जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटिव्स में क्वेश्चन नहीं बनता है वहाँ से। ठीक है, एकेडमिक्स में जब हम एकेडमिक स्कूल कॉलेज लेवल में जब पढ़ते थे तो वहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे आता है। फाइन, तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल हम यहाँ पे कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल आपका किस तरह का सेंटेंस होता है? किस तरह के सेंटेंसेस को आप फर्स्ट कंडीशनल बोलेंगे? जो आपके पास रियल या पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर बताएगा। ठीक है, रियल या पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जो रियल हो या फिर पॉसिबल हो, जिसकी पॉसिबिलिटी हो हमारे पास। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है, इफ आई विन अ लॉटरी आई विल बाय अ कार। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं क्या खरीदूंगा? कार खरीदूंगा। अब ये आपके पास क्या है? पॉसिबल सिचुएशन है। क्यों पॉसिबल सिचुएशन है? ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ना इन दोनों, बेसिकली ये जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल है, ये देखो मैंने आपको दोनों चीजों में यही लिखा है, रियल और पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर, अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर। ये जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल है ये फ्यूचर की सिचुएशन के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस एक छोटा सा है। ठीक है, ये रियल सिचुएशंस बताता है और ये इमेजिनरी सिचुएशंस बताता है, जैसे हवाई के लिए हवा में ही बातें करना। अब एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इफ आई विन अ लॉटरी आई विल बाय अ कार। यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड बाय अ कार। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोलूँ इफ आई विन अ लॉटरी आई विल बाय अ कार, इसका मीन है कि मैंने कहीं ना कहीं लॉटरी की टिकट खरीदी है और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि मैं लॉटरी टिकट जो है, जो ड्रॉ है, उसको जीतूं। अगर मैं जीतता हूं तो मैं कार खरीदूंगा, मतलब एक पॉसिबिलिटी तो है मेरे पास, है ना। या रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन इसलिए है क्योंकि मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदा है, तो पॉसिबिलिटी तो है मेरे जीतने की। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रियल पॉसिबिलिटी है। बजाय इसके अगर मैं सेकंड कंडीशनल में आऊँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं बच्चा, हम पेपर में कंफ्यूज होते हैं। इफ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड बाय अ कार, सेकंड फॉर्म है। हम जब टेंस एंड टाइम चैप्टर पढ़ के आते हैं तो हमें क्या पता होता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें पास्ट के फिनिश्ड एक्शंस बताता है, वहाँ पे ही हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं या कुछ और जगह पे भी करते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे ये जो इफ आई वॉन अ लॉटरी आपको सेकंड फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे विल का सेकंड फॉर्म दिख रहा है, ये पास्ट की कंडीशन ना बता के क्या बता रहा है? फ्यूचर की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन। ठीक है, अब इस ऊपर वाले सेंटेंस को मैं ऐसे कह दूं, इफ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड बाय अ कार, इसका मतलब है ना तो मैंने लॉटरी टिकट खरीदा है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बस मैं हवा में किले बना रही हूँ कि
अगर मैं लॉटरी टिकट कभी खरीदूंगी, मैं उसको जीतूंगी, फिर मैं कार ले लूंगी, दोनों में डिफरेंस है ना? मतलब यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन हो रही है, उसकी तरफ मैंने कोई स्टेप लिया नहीं है अभी, वो अनरियल है या इमेजिनरी है। और ऊपर वाले सेंटेंस में मैं फॉर एग्जाम्पल ये कह दूँ कि मैंने लॉटरी टिकट खरीदा तो कहीं ना कहीं मेरी पॉसिबिलिटी है जीतने की, फाइन। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है कि एक फर्स्ट कंडीशनल आपका रियल या पॉसिबल सिचुएशन ऑफ फ्यूचर बताता है और दूसरा अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर बताता है। अब आप देखेंगे सिंटेक्स, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लिखते कैसे हैं। इफ आपका कंडीशन बताने के लिए लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। अब आप मुझे बताएंगे V1 या V5 हम कहाँ पे यूज करते हैं बच्चे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ पे यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट पे यूज करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किन के साथ आता है? आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, है ना। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, फाइन। एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। तो जहां जहां पे आपके आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिखेंगे वहां पे आप V5 का यूज करेंगे, और जहां जहां पे भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिखेंगे वहां पे V1 का यूज करेंगे, ठीक है। V5 का मतलब है बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गो, तो ये है आपके पास V1। वर्ब का जो भी फर्स्ट फॉर्म होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्लूरल होता है। जितने भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पढ़ते आते हैं, गो, प्ले, स्पीक, स्विम, है ना, ये सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बाय डिफॉल्ट प्लूरल होते हैं, फाइन। और इनको सिंगुलर करने के लिए हम वर्ब के साथ क्या यूज कर देते हैं? एस या एस का, वो V5 फॉर्मेट में होता है। इसी गो को अगर मैं गोज लिख दूँ तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है, इसके साथ ना बच्चे इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? V1, लेकिन एक्सेप्शन आए और यू भी रहती है इंग्लिश लैंग्वेज में। जब भी वर्ब चैप्टर आगे के आने वाले वीडियोस में हम वर्ब चैप्टर कवर करेंगे तब मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कैसे यूज करते हैं, किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं। फिलहाल हमें इतना सा याद रखना है, ठीक है, कि V1 और V5 क्या होता है। वर्ब की प्लूरल फॉर्म बाय डिफॉल्ट V1 होती है और V5 आपकी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आती है। जैसे दे के साथ मैं गो यूज़ करूंगी, ही के साथ गोज यूज करूंगी, क्योंकि ही सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म आएगी V5, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका सिंटेक्स, इफ सब्जेक्ट V1 या V5, ठीक है। ये आपका कंडीशनल कहा गया, कंडीशनल क्लॉज का ये वाला फॉर्मेट है, देखो। और दूसरा आपका जो रिजल्ट वाला क्लॉज है उसका ये वाला फॉर्मेट रहेगा, आई विल बाय अ कार, ये देखो, शैल या विल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ विल की जगह शैल भी आ सकता है, अगर मैं शैल लिख रही हूँ ये तब भी सही है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली क्योंकि यहाँ पे ये विल और शैल ना मॉडल की तरह यूज हो रहे हैं, तो आप विल लिख लो, शैल लिख लो। अब आते हैं सेकंड कंडीशनल में, इसका सिंटेक्स आपके पास ये है, ठीक है। ये आपका किस फॉर्मेट में जा रहा था? जो फर्स्ट कंडीशनल था सिंपल प्रेजेंट फॉर्मेट में जा रहा था, सब्जेक्ट के बाद सीधा ही वो V1 या V5। और जो सेकंड कंडीशनल है ये आपका किस फॉर्मेट में जा रहा है? सिंपल पास्ट फॉर्मेट में, फाइन। सिंपल पास्ट फॉर्मेट में मतलब सब्जेक्ट के बाद V2 आती है आपके पास सिंपल पास्ट में, तो वही फॉर्मेट आपका जाएगा सेकंड कंडीशनल में, इफ सब्जेक्ट और V2, देन आफ्टर विल का भी आप सेकेंड फॉर्म लेके आए हैं, सब्जेक्ट के बाद वुड और फिर V1, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे V1, यहाँ पे भी V1, क्योंकि है यहाँ के शेल और विल भी मॉडल वर्ब है, वुड भी आपके पास मॉडल वर्ब है, और जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडल वर्ब्स होते हैं सबके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फाइन। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए। बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की। थर्ड कंडीशनल में बच्चे किस लिए यूज होता है थर्ड कंडीशनल? अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ द पास्ट। अब आप ये देख रहे हो कि मुझे जबकि पास्ट के लिए सेकंड कंडीशनल सेकंड फॉर्म वाला यूज करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ कंडीशनल में, है ना। पास्ट के लिए हम पास्ट की फॉर्म को फ्यूचर के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब मुझे पास्ट की भी तो इमेजिनेशन हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि फ्यूचर की ही इमेजिनेशन हो, पास्ट में भी तो मैं कुछ इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा करती, फाइन। ये पास्ट की इमेजिनेशन है जो बेसिकली नहीं हुआ होता है, अनरियल होती है, लेकिन फिर मैं उनको इमेजिन करती हूँ कि काश ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा करती, फाइन। वो पास्ट की आपकी क्या होती है? अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं, फाइन। सिंटेक्स आपके पास ये रहा, इफ कंडीशन बता रहा है सब्जेक्ट के बाद हैड और V3, ठीक है, देन सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और V3,
ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैड, वी थ्री, वुड, किसी भी मॉडल के साथ ना बेसिकली बच्चे जब हैव लग जाता है, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लग जाता है, जैसे वुड के साथ हैव आ रहा है, वो पास्ट की ही इमेजिनरी सिचुएशंस बताता है। तो जब भी कभी आपको लगे कि सेंटेंस पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा है, तो वुड के साथ हैव आ जाता है और यहाँ पर हैड प्लस वी थ्री। इफ आई वुड, इफ आई हैड वॉन अ लॉटरी आई वुड हैव बाय अ हाउस। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं एक घर खरीदता, है ना। मान लो कि अब ये दो सिचुएशंस हो गई लॉटरी वाली, मैंने आपको बता दिया कि एक में तो मैंने टिकट खरीदी थी और फिर क्या हुआ, एक रियल या पॉसिबल सिचुएशन बन गई फ्यूचर की कि मैं जीत भी सकती हूँ और नहीं भी, अगर मुझे वो बतानी है तो फर्स्ट कंडीशनल। और सेकंड, मैंने लॉटरी टिकट खरीदी ही नहीं, मैं हवा में ही केले बना रही हूँ कि यार मैं लॉटरी टिकट खरीदूंगी, फिर मैं जीतूंगी, फिर मैं कार खरीदूंगी, सेकंड कंडीशनल आ गया। थर्ड कंडीशनल कब आता है, लाइक अब क्या हुआ, लॉटरी रिजल्ट भी आ गया, फर्स्ट कंडीशनल में मैंने लॉटरी टिकट खरीदी थी और मैं हार गई, रिजल्ट आ गया, एक महीने बाद मेरा फ्रेंड मेरे पास आके बोलता है कि मेरे को तो लॉटरी में इतना अमाउंट मिला, ठीक है, इतना अमाउंट मिला, मैंने ये चीज़ खरीदी, तो फिर मैं क्या बोलूँगी कि काश अगर मैं जीतती या अगर मैं मुझे मैंने ये अमाउंट जीता होता तो मैं एक कार खरीदती। मतलब यहाँ पे मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ कहाँ की, पास्ट की, कि अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा करती, ठीक है। वो कंडीशन आपके पास क्या होती है, दिस इज थर्ड कंडीशनल, है ना। यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर at the time of third conditional. Fine, if I would worked hard, I would got the promotion. ठीक है, sorry बच्चे, if I had worked hard, I would have got the promotion and if I had won a lottery, I would have buy a house. तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, सेकंड क्या होता है और थर्ड क्या होता है। तीनों कंडीशनल्स में हम सिंटेक्स क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज़ कर रहे थे और आगे रिजल्ट वाले में शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड कंडीशनल में एक बार रिविजन देख लेते हैं, सेकेंड कंडीशनल में हम क्या यूज़ कर रहे थे, सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म और रिजल्ट वाले फॉर्मेट में हम क्या देख रहे थे, विल का सेकेंड फॉर्म वुड का यूज कर रहे थे। और थर्ड कंडीशनल में सब्जेक्ट हैड प्लस वी थ्री और रिजल्ट में वुड हैव के साथ वी थ्री, ठीक है, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे वुड हैव के साथ वी थ्री, मैंने आपको बोला कि सारे मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसलिए वुड के साथ मैंने यहाँ पे हैव यूज किया है। हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ना, हैव, हैड, हैड, ठीक है, और यहाँ पे आगे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। ये तो था बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स था ये कंडीशनल्स का। इनके साथ बच्चा कुछ एक्सेप्शंस भी रहती हैं आगे, ठीक है, अब उन एक्सेप्शंस को कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन है पहले उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्स्ट कंडीशनल में जितना हमने पढ़ा बस वही चीज है, बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की। ठीक है, बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की। ठीक है, अब मैंने फ्यूचर की सिचुएशंस बता दी, पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशंस बता दी, इट मींस प्रेजेंट की भी तो इमेजिनरी सिचुएशंस हो सकती हैं ना, बिल्कुल हो सकती हैं। प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशंस जब भी हमें बतानी होती है बच्चे, हम सेकंड कंडीशनल के अंडर उसको लिखते हैं। ठीक है, किस तरह से, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशनल ऑल्सो डिनोट्स द अनरियल या फिर इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, ये जो सेकंड कंडीशनल है ये ऑल्सो डिनोट्स अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, अब किस केस में यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे, आपके पास कुछ एक वर्ड्स लिखे रहेंगे, इफ, एज इफ, only if, as though, I wish, we wish,
ठीक है, आपको इस तरह के कुछ वर्ड्स दिए होंगे कंडीशन डिनोट करने के लिए, ठीक है। ये सारे वर्ड्स के साथ आपको या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है या फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करना है इन केस ऑफ अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। आपको वी टू का यूज कैसे करना है, जब जब आपके पास सेंटेंस में क्या गिवन होगा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, ठीक है, आपको जब गिवन होगा, आपको एक क्लॉज में ये सारी चीजें दे रखी हैं, फिर साथ में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है, ठीक है। अब वो मेन वर्ब किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, या तो वी वन की फॉर्म में हो सकती है, वी टू की, वी थ्री की, वी फोर की, या फिर वी फाइव की, ठीक है। आपको हमेशा ही उसको किस फॉर्मेट में रखना है, इस फॉर्मेट में। अगर वी टू में फॉर्मेट में ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, नो एरर है, फाइन। अगर इसके अलावा इसमें से किसी भी फॉर्मेट में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ रहा है, आप उसको चेंज करके वर्ब का सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का यूज कब करेंगे बच्चे, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपको क्या दिखेगा, बी की फॉर्म्स, ठीक है, बी की फॉर्म्स दिखेंगी, तब तब आप उस बी की फॉर्म को रिप्लेस करके क्या यूज करोगे, वर्ब का यूज करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बी की फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म्स होती हैं बच्चे इज एम आर वॉज वर, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो बी वॉज बीन, है ना, बींग, है ना, ये इसकी फॉर्म्स हैं। तो जो बी की फॉर्म्स हैं बेसिकली बच्चे, इसकी ये यही फॉर्म नहीं है, इसके और ज़्यादा फॉर्म्स भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, बी की फॉर्म आ गई आपके पास जैसे आर, इसका प्लूरल है ना, और इज और एम इसका सिंगुलर होता है, वैसे ही वॉज और वर फॉर्म्स होती हैं इसकी, बीन के अंडर आ जाता हैज और हैव, ठीक है, डू डज भी यहीं पर आता है, यहाँ पर आ जाता है डज और यहाँ पर आता है डू, ठीक है, इज एम आर वॉज वर डू डज और हैज हैव, ये आपकी बी की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको बी की फॉर्म्स दिखेंगी वहाँ वहाँ पे आप उनको रिप्लेस करके किसका यूज करोगे, वर का यूज करोगे सेकेंड कंडीशनल में प्रेजेंट की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस को बताने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम a bird I would fly, ठीक है। अब आप क्या आप सामने सामने आपको दिख रहा है सेंटेंस में कि मैं क्या इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूं, कि काश अगर मैं, यदि मैं क्या होती, पक्षी होती तो मैं भी उड़ती, है ना। तो है क्या ये अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन है। अब मैंने आपको साफ साफ बोला कि जब जब क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको कोई भी बी की फॉर्म दिखेगी, ये देखो एम दिख रहा है, बी की फॉर्म है, इज एम आर में से बी की फिफ्थ फॉर्म है, तो जब भी एम दिखा आप उसको क्या करोगे, रिप्लेस करके किसका यूज कर दोगे, वर का, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करेक्ट करूंगी, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, समझ में आई। अभी तक तो हम वर्ब का यूज कर ही नहीं रहे थे, देखो टेंसेस में मैंने आपको पढ़ाया कि वर्ब क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे आप आई के साथ वर्ब का यूज देख रहे हो, क्यों, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेंस में हमने जो रूल पढ़े होते हैं उनका एक्सेप्शन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये था आपका सेंटेंस, इस तरह से प्रेजेंट की कंडीशन को डिनोट कर रहा है ना, अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन को डिनोट कर रहा है, या फिर मैं लिख दूं इट इज सो हॉट हेयर आई विश, इट इज सो हॉट हेयर आई विश वी ट्रेवल इन एन एसी कंपार्टमेंट, एसी कंपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आज बहुत गर्मी है, काश मैं एसी कंपार्टमेंट में ट्रेवल करता, ये कह रहा है ये सेंटेंस फिर से, कि वो नहीं कर रहा है, वो उसको गर्मी लग रही है, वो एसी कंपार्टमेंट में ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि आज बहुत गर्मी है, काश ऐसा मैं एसी कंपार्टमेंट में ट्रेवल करता, फाइन। तो फिर से ये अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन है। आपने क्या देखा, आई विश है आपके पास,
ठीक है, यहाँ से एक वर्ड उठा रखा है आई विश, आपके पास क्या है ये काश, है ना, कंडीशन बता रहा है। तो जब भी आपको यहाँ पे, मैंने आपको क्या बोला, सब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म दिखेगी, यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट, यहाँ क्या कोई बी की फॉर्म है, नहीं है। बी की फॉर्म के बाद क्या है आपके पास, मेन वर्ब है और वी वन फॉर्मेट में है। आपको इसको किस में चेंज करना है, वी टू फॉर्मेट में चेंज करना है। तो ट्रैवल को चेंज करके आप क्या कर देंगे, ट्रेवल्ड कर देंगे। फाइन बच्चे, ये था आपका सेकंड कंडीशनल, जिसमें हमने क्या सीखा कि सेकंड कंडीशनल इसलिए यूज हो रहा था आपके पास फ्यूचर की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन को बताने के लिए, या फिर प्रेजेंट की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन को बताने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशनल पे बच्चे। ठीक है, थर्ड कंडीशनल अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि थर्ड कंडीशनल क्या बता रहा था, पास्ट की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस। ठीक है, थर्ड कंडीशनल आपका पास्ट की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस बता रहा था। अभी हम क्या देखेंगे, थर्ड कंडीशनल हैड प्लस वी थ्री। अब आप क्या करोगे यहां पे, हैड प्लस वी थ्री इज, हैड प्लस वी थ्री इज ऑल्सो used after all these words in order to tell unreal or imaginary situations of past. Had plus V3 is also used to tell unreal ya imaginary situations of past. वैसे भी क्या हो रहा था, वैसे भी हमने थर्ड कंडीशनल में क्या पढ़ा था कि वो अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ पास्ट ही बता रहा था, लेकिन जो जो वर्ड मैंने अभी आपको सेकंड कंडीशनल के एक्सेप्शन में बताए, वो सारे वर्ड के साथ हैड प्लस वी थ्री पास्ट की इमेजिनेशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स थे, इफ, इफ ओनली, एज इफ, as though, I wish, या फिर we wish। ठीक है, ये सारे वर्ड्स थे। इन सब के साथ अभी तक तो हमने क्या देखा था पीछे, कि या तो हम V2 का यूज कर रहे थे या फिर I के बाद, सब्जेक्ट के बाद सॉरी, वर्ड का यूज कर रहे थे, किसमें, प्रेजेंट की अनरियल या इमेजिनरी कंडीशंस के लिए। लेकिन यहाँ पे पास्ट की अनरियल या इमेजिनरी कंडीशंस के लिए हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। ठीक है, किसकी, पास्ट की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए। ठीक है, ये क्या होंगी, अनरियल सिचुएशंस ऑफ पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विश यू वर प्रेजेंट हेयर, आई विश यू वर प्रेजेंट हेयर व्हेन आई गॉट द प्राइज। सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है सेंटेंस, कि काश तुम यहां होते जब मुझे प्राइस मिला। मतलब ये क्या है, इमेजिनेशन है पास्ट की, वो नहीं था जब मुझे प्राइस मिला, तो कोई पर्सन वहां पे नहीं था, मैं तभी तो ये वाली लाइन बोलूंगी कि जब भी मुझे प्राइस मिला काश तुम यहां होते, यही बोलना चाह रही हूँ। मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ अपने पास्ट को, जो एक्चुअल में नहीं हुआ है उस चीज़ को इमेजिन कर रही हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो पास्ट है, व्हेन आई गॉट द प्राइज, आपको दिख रहा है पास्ट, है ना, सब्जेक्ट के बाद वी टू है तो पास्ट की ही बात हो रही है। तो उस केस में फिर आप क्या कर दोगे, देखो इन सारे वर्ड्स के साथ हैड प्लस वी थ्री, है ना। तो फिर आप इसको कैसे करेक्ट करोगे, आई विश यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू हैड been present here, ठीक है, had plus v3, b का थर्ड फॉर्म आ गया been, है ना, और verb क्या है इसका, second है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से करेक्ट करेंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसी का, I wish I saw you when you had been living in England,
लिविंग इन इंग्लैंड. ठीक है, आई विश आई सो यू व्हेन यू हैड बीन लिविंग इन इंग्लैंड. ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि काश मैंने तुम्हें देखा होता जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे. फाइन, तो अब फिर से आप क्या देख रहे हो, हैड बीन मतलब पास्ट की ही बात हो रही है, पास्ट की कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं हम. फिर से ये किस सिंटेक्स में जाएगा, आई विश के बाद हैड प्लस वी थ्री. ठीक है, क्या हो जाएगा, आई विश आई हैड सीन यू, यहां से इसको हटा के. ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं, सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे. आज की वीडियो में इतना ही, एक बार फटाफट से रिवीजन लेते हैं हमने क्या क्या सीखा. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो आपके पास ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉजेस रहेंगी, एक क्या बताएगा कंडीशन और दूसरा बताएगा रिजल्ट. थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज था, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल क्या बता रहा था, रियल या पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर. सेकेंड कंडीशनल क्या बता रहा था, इमेजिनरी या अनरियल कंडीशंस या सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर. और थर्ड कंडीशनल क्या बता रहा था, इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशंस ऑफ किसकी, पास्ट की, है ना. और प्रेजेंट की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस कौन बता रहा था, सेकेंड कंडीशनल के अंडर ही आ रहा था. इन सारे वर्ड्स के साथ आप क्या यूज कर रहे थे, या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म या फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब. और यहाँ पे जब भी आप प्रेजेंट की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस को कर रहे थे तो यहाँ पे वी टू या फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब, लेकिन पास्ट की अनरियल या इमेजिनरी थी तो इन सारे वर्ड्स के साथ हैड प्लस वी थ्री का यूज करते हैं. तो ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन. बाकी आगे एक छोटा सा पार्ट इसका और बचता है, उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. होप सो उसी पार्ट में मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको करा दूंगी. और इतना ही एनफ है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कंडीशनल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टिल देन ऑल द बेस्ट.